बाबा जी का यह उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाओ सब शाकाहारी। पूर्ण पुरुष पूर्ण धनी, पूर्ण पुरुष दाता, करूं तुम्हारी वंदना सुरत दृष्टि पसार। कुछ लोगों के पास रुपया पैसा भी रहता है, मकान भी रहता है, गाड़ी घोड़ा भी रहता है, तंदुरुस्त भी रहते हैं, लेकिन रात को आते हैं तो नींद की गोली खाते हैं, तब नींद आती है, इतना टेंशन रहता है, इतनी परेशानी रहती है कि गाड़ी चलाते रहते हैं, ध्यान कहीं और रहता है, कोई कुछ कहता है सुनते कहीं हैं, ध्यान कहीं है, कहते हैं क्या कहा, फिर से बताओ, ध्यान कहीं रहता, खाते चले जाते हैं, पूछो कैसा बना है, हैं तब कहते हैं अच्छा बना है, पूछो नमक कैसा है, अरे ठीक है, सब्जी कैसी है, कोई स्वाद नहीं मिलता, लेकिन झूठ बोल करके और तारीफ करके कहते हैं कल फिर खाने को मिल जाए इसलिए, लेकिन स्वाद कुछ नहीं मिलता, ध्यान कहीं रहता है, तो परेशान सब हो जाते हैं, परेशान सब रहते हैं, ये परेशानी कैसे दूर होगी। पहला पाठ उनका यही है कि उनको आप जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बुलवाओ। कैसे बुलवाओगे? जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। इसी तरह से नाम ध्वनि बुलवाना है। अब दूसरा है ध्वन्यात्मक नाम, यह वर्णात्मक नाम कहलाता है। ध्वन्यात्मक नाम किसको कहते हैं? जो धनियों के नाम हैं, आपको बताऊंगा। आप इतिहास उठा करके देख लो, एक समय पर एक ही आदमी को नाम दान देने का अधिकार यानी संतों ने दिया था। जैसे कबीर साहब के भी बहुत शिष्य थे, लेकिन उन्होंने किसको अधिकार दिया यानी समझो नानक जी को, नानक जी ने जो दस गुरु हुए उनको अधिकार दिया, और सबसे छोटे दसों गुरुओं में गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने किसको अधिकार दिया, रतन राव जी को, रतन राव जी ने श्याम राव जी को दिया, उन्होंने किसको अधिकार दिया, गरीब साहब को दिया आपके समझो, और उन्होंने किसको अधिकार दिया, शिवदयाल जी महाराज को, फिर विष्णुदयाल जी महाराज को अधिकार उन्होंने दिया, फिर उन्होंने अधिकार गुरु महाराज को दिया, और गुरु महाराज ने मुझ नाचीज के लिए आदेश दे दिया था कि ये नामदान देंगे। तो नामदान देने वाला एक समय पर एक ही रहता है, और उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है। देखो पीपल, पाकड़ और रसाल ये पेड़ होते हैं, तो पीपल का
फल या बीज अगर सीधा जमीन पर गिरे, पाकड़ का फल या बीज, रसाल का फल या बीज सीधा अगर जमीन पर गिरे तो जमता नहीं है, पक्षी उसको खाता है और उसके मुंह से जो बीज नीचे निकलता है, गिरता है, वो जमता है जमीन पर। इसीलिए ऑनलाइन नामदान नहीं दिया जाता है और ना टेलीफोन से नामदान दिया जाता है, आमने सामने बैठा करके नामदान दिया जाता है, क्योंकि इसमें कर्मों का लेना देना होता है, कर्मों की सफाई होती है, वो दूर से नहीं हो सकती है। कोई कितना भी कहे कि गाड़ी को आप साफ कर दो और नहीं साफ कर पा रहे हो तो समझो कि उसमें यानी गंदगी लगी ही रह जाएगी, शरीर की सफाई ही है। कहता है ऐसे कोई टेलीफोन पर, ऐसे साफ करो, कपड़े का दाग है, कोई कहता है इस तरह से नींबू लगाओ, दही लगाओ, ये करो, साफ करो, और आप नहीं साफ कर पाए, कोई जरूरी नहीं साफ कर दो। और साफ करना जिसको आता है वो फट से आ करके वो साफ कर देता है, तो आमने सामने होना चाहिए। तो देखो ये शरीर की सफाई, कपड़े की सफाई, गाड़ी घोड़ा की सफाई, ये तो आसानी से हो जाती है, लेकिन अंदर में जो बर्तन है जिसमें ये नाम रखा जाता है यानी वो अगर गंदा रहता है तो फिर यानी समझो विकास नहीं होता है नाम का। आप ये समझो जैसे दही लगे हुए बर्तन में अगर बढ़िया से बढ़िया दूध रख दो तो भी खराब हो जाता है, दूध नहीं रह जाता है, दूध के गुण उसमें नहीं रह जाते। इसीलिए तो कहा गया, पलटू साहब ने कहा, धोबिया वो मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए भाई, वो बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट वह जा निर्मल पानी। सतगुरु की जरूरत पड़ती है, न आपको घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। आप जहाँ जिस तरह से घर में रहते हो उसी तरह से रहो, जिस समाज में जिस जाति में आप भोजन खाते हो साथ में बैठ करके उसी के साथ शाकाहारी भोजन खाना, शादी ब्याह जहाँ लड़का लड़की का आप करते हो वहीं पर करना। कोई न तो धन बदलना है, न जाति बदलनी है, न कोई घर बदलना है, न कोई कपड़ा उतारना है, न कोई सिर मुड़वाना है, न कोई आपको रुपया पैसा के रूप में यानी अनाज पानी के रूप में आपको देना है कुछ नहीं। दक्षिणा भी अगर आपको देना है तो आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म मत करना, सबसे बड़ी आपकी यही होगी दक्षिणा। देखो अभी तक जो मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, दूसरे औरत के साथ बुरा कर्म किया, बच्चियों दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म किया, अब मत करना, अब गलती मत करना। जान करके जो गलती करता है उसको सजा मिलती है, अनजान की गलती की माफी भी हो जाती है, लेकिन किसी न किसी रूप में सजा उसके सामने यानी समझो कि आती ही आती है। जैसे बच्चे को आप कहते हो कि यह अन्न है, देवता हैं, इनको फेंको मत, उतना ही लो जो खा सको, धीरे से आप छोटे बच्चे को भी खाना सिखाते हो कि देखो ये रोटी इस तरह से तोड़ो, थोड़ा सा ये खाओ, और चावल को उठाओ इस तरह से खाओ, फेंको नहीं। क्योंकि जब खाना बच्चा सीखता है तो कुछ खाता है, कुछ फेंकता है, कुछ गिरा देता है, मुंह में डालता है, गिर जाता है, लेकिन आप सिखाते हो। अब देखो अगर नहीं बांधता है बच्चा तो कभी जब भूखा होता है उसी रोटी के लिए उसी के लिए, तब कहता है कि देखो भूखे हैं, आप भी कहते हो समय पर नहीं दे पा रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी लेकिन अब भोजन नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी ऐसी मजबूरी आ जाती है। ट्रेन में बस में गए और समझो ट्रेन रुक गई, 4-6 घंटे रुक गई, ऐसी जगह पर रुक जाती है कोई चीज़ मिलता ही नहीं। एक जगह तो हम सफ़र कर रहे थे, देखे कि ये जो गुड़ होता है गुड़ बर्फी के भाव बिक गया, खाने कुछ मिले ही नहीं खाने को, वहाँ पर जो भी मिला सब रेट तेज हो गया, ऐसी भी स्थिति होती है। तो वो जो यानी समझो कि इज्जत जिस चीज़ की नहीं होती है वही कभी बेइज्जती भी कर देता है, दूसरे के आगे कहते हैं हाथ नहीं फैलाएंगे, लेकिन जब भूख लगती है तब फिर दूसरे के आगे भी हाथ फैलाता है आदमी। तो देखो ये सब बुरा कर्म मत करना। आपको जो बताया जा रहा है कोई बहुत खास यानी समझो छोड़ने वाली चीज़ नहीं है कि अन्न छोड़ दो, पहले तो अन्न भी छोड़ देते थे लोग,
एकदम सूख जाते थे, साधना करते थे। मनु और शत्रुपा को देखो, शरीर बिल्कुल सूख गया था, कुछ नहीं रह गया था। वो तो शब्द जब उनके अंदर उतरा, तब हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाय, मानव अभिभवन से आए, श्रवण रंध्र उर जब आया। अनि वो जो आवाज शब्द की थी, जब कान के अनि समझो अंदर वाले कान के सुराख से अंदर आई, तब ताकत आई। क्योंकि साधक को ताकत अंदर से मिलती है, थोड़ा भी खाए तो भी शरीर चलता रहता है। देखने में तो दुबला हो जाएगा, लेकिन ताकत रहती है। काम सब जो जरूरत का होता है करता रहता है। बहुत सा काम ये जो मेहनत का होता है उसकी इच्छा से ही हो जाता है। कोई न कोई आला कर दे जाता है, प्रेरणा अंदर में उठती है और वो ला कर दे जाता है। मेहनत करने पर वो चीज़ आपको नहीं मिलती है, लेकिन वो इच्छा करता है मिल जाता है। तो ऐसे ही आप समझो। तो मांस मत खाना, मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। जब से लोग मांस खाने लगे तब से बीमारियां बहुत बढ़ गईं, और आगे बीमारियां अभी बहुत आ रही हैं। मांसाहारियों को ज़्यादा होंगी, दवा खोजने पर जल्दी नहीं मिलेगी। तो मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना। शराब जैसा नशा का कोई भी जड़ी बूटी हो, पत्ती हो, कोई भी पीने की चीज़ हो, वो मत खाना या पीना। बाकी आप हजम कर सको तो 100 गिलास दूध रोज पी लो, 2 किलो घी रोज खा लो। आप दिन भर में 10 बार पराठा पूरी कचौड़ी मिठाई खाओ, हजम कर सको तो पूरी छूट है। और लेकिन हजम ना होता हो तो 1 टाइम खाना शुरू कर दो, 2 रोटी का भूख। 4 खाते हो 6 खाते हो तो 2 रोटी का 1 रोटी का भूख रख कर के खाओ कि आराम से हजम हो जाए। बुढ़ापे में तो बहुत मन कहता है हर चीज़ खाने को, लेकिन हाजमा कमज़ोर हो जाता है, मशीन कमज़ोर हो जाती है। तो मन को उस समय पर मना लिया करो, कोई चीज़ मन कहे खाने को कह दो इस समय अब नहीं देंगे। तो नुकसान करने वाली चीज़ों को ही मन मांगता है, कह दो अब नहीं देंगे, तो थोड़ी देर के बाद फिर मन मर जाएगा, हट जाएगा, इच्छा उसकी ख़त्म हो जाएगी। और मन के कहने पर अगर खिलाते रहोगे, कोई भी हो, चाहे बुढ़े हो चाहे जवान हो, तो वही चीज़ ज़्यादा खा लोगे, नुकसान कर जाएगी। ये सब बातें बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, लेकिन मोटी बात आप ये समझो कि मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना, बच्चियों दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म मत करना, बाकी छूट है आप। आत्मा जब ताकतवर हो जाती है, शक्ति आ जाती है, और फिर जिस चीज़ की इच्छा आदमी करता है तुरंत वो हो जाती है। देखो हनुमान जी को जब संजीवनी बूटी लेने जाने को हुआ तो इच्छा किए उड़ करके चले जाएं, जल्दी पहुंच जाएंगे, ले आएंगे, छोटा बन गए। और जब पहाड़ उठाने को हुआ था तो इच्छा किया कि अब हमारा शरीर पहाड़ उठाने के लायक बन जाए, तो पहाड़ उठा करके लेकर के चले आए थे। ऐसे कोई भी आप किसी दूसरे के भक्त हो, दूसरे का बताया हुआ मंत्र जपते हो, नाम जपते हो, हमको कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अब आप इसको करो और इसको करके देखो, इसमें अगर आपका फायदा होता है हर तरफ से, धन पुत्र परिवार में बढ़ोतरी होती है, मानसिक शांति मिलती है, तो फिर तो आप इसी को करने लगोगे, आपको विश्वास हो जाएगा। लेकिन अगर आप विश्वास के साथ करोगे नहीं तो कैसे आपको मिलेगा। कहते हैं कर्म तो करना पड़ता है, सबको दुनिया संसार में है, लेकिन जो कर्म नहीं करता है उसको नहीं मिलता है, कर्म ही नर पावत नहीं, लेकिन जो कर्म करता है उसको सकल पदार्थ है जगमाही, सब कुछ मिलता है। 4 पदार्थ का तलता के सब कुछ मिलता है, 4 पदार्थ यहाँ पर है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये सब यहीं पर है। तो सब मिलेगा आपको गुरु महाराज की दया से, अगर आप लोग करोगे, बात को मानोगे, अमल करोगे, बातों को याद रखोगे, तो ये बातें आपके लिए फलदायी होंगी, फायदेमंद होंगी। जहाँ कहीं भी खाली बैठो वहीं आंख बंद करो, ध्यान लगाओ। दुकान करते हो और दुकान पर ग्राहक नहीं है तो आंख बंद करो, ध्यान लगाओ। नौकरी करते हो, दफ्तर में बैठे हो, कोई काम नहीं है तो आंख बंद करो, ध्यान लगाओ। खेत में काम कर रहे हो, थकावट आ गई, थोड़ी देर बैठ गए और ध्यान लगा लिया, तो ध्यान भी बनता है और थकावट भी दूर होती है। नहीं कोई दिखाई पड़ा तो थोड़ी देर आंख बंद करके ध्यान लगाया, थकावट चली जाती है।
फिर ताकत आ जाती है बदन में। तो बच्चियों कोई काम न हो घर में तो आंख बंद करो, ध्यान लगाओ। तो अभी तो मन नहीं कहेगा ध्यान लगाने को, क्योंकि अभी तो खाने में, देखने में, सुनने में, घूमने में लगाए हुए है शरीर को। लेकिन जब ध्यान लगाने लग जाओगे, मन रुकने लग जाएगा, ऊपर के लोकों में जाओगे, वहाँ का रस जब मिलेगा, आनंद मिलेगा, तो मन खूब लगवाएगा। जहाँ भी खाली बैठोगे वहीं मन कहेगा बंद करो आँख, निकलो और चलो, चला जाए उधर का आनंद लिया जाए। ये इंद्रियों के घाट का ये रस तीखी मिर्ची की तरह से लग रहा है, चलो हमें यह रस पिया जाए, ऊपर चला जाए, खूब लगवाएगा। लेकिन शुरू में थोड़ा सा मन को मनाना पड़ेगा। इस कार्यक्रम का होगा समापन, बराबर लगा हुआ, यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन आपके ये जो प्रेमी पहले से इच्छा रखते थे यहाँ हो जाए, तो हमने कहा चलो थोड़ा मेहनत ज़्यादा पड़ जाएगी लेकिन कर देंगे, तो कर दिया। अब अनमोल चीज़ यह दिया है, इसको आप संभाल के रखना और इसको बढ़ाना, इसकी इज्जत करना है। ये जो नामदान दिया है आप नाम की कमाई करना। बोलो जय गुरुदेव। परहेज अगर नहीं करोगे, स्वस्थ नहीं रहेगा शरीर, तो ये मन बराबर आपको भजन से, ध्यान से, सुमिरन से, परमात्मा से, सेवा से, ये आपको हटाता रहेगा। क्योंकि ये मन इस समय पर पूरे इस शरीर का राजा हो गया और जीवात्मा ये बेचारी हो गई। पहले ये जीवात्मा बहुत ताकतवर थी, बड़ी शक्तिशाली थी, परमात्मा की ये अंश है, मन तो ये रास्ते में लग गया। तो जैसे कोई राजा हो, राजा का मंत्री बिल्कुल नजदीक पहुंच जाए और राजा से दोस्ती हो जाए, राजा का विश्वास पात्र हो जाए मंत्री, और मंत्री की ही हुकूमत पूरी चलने लग जाए, राज्य का मालिक मंत्री हो जाए, ऐसे ही ये मन हो गया। सूरज का, इस जीवात्मा का मन यानी समझो कि एक तरह से यानी मंत्री ही राजा हो गया, वो पूरा कब्जा इसका हो गया। पहले जब ये सूरज उतारी गई थी, मन इसके साथ लगाया गया था, तब इतना ताकतवर मन नहीं था, लेकिन इसका स्थान ऐसी जगह पर बना दिया माया ने इस शरीर के अंदर रचना में कि जीवात्मा के प्रकाश से मन का खुराक हो गया, मन का यानी चाल हो गया, मन की स्पीड हो गई, गति हो गई, कार्य हो गया इसका, एक तरह से समझ लो। मन कैसा है, मन की बनावट जीवात्मा से बहुत अलग है। जीवात्मा तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी, बहुत, उसका तो प्रकाश, उसकी रोशनी और उसका तो कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता है। लेकिन मन ये उल्टा तवा कह लो आप, या कोई समझो कड़ाही कह लो, ऐसे ऐसे उलट करके रखो तो ऊपर की तरफ वो ऊंचा रहता है, नीचे समझो कि खाली रहता है। तो जीवात्मा का प्रकाश उस पर पड़ा, मन वही पास ही में है, ये उस पर पड़ता है और उसी से यानी शरीर के नीचे यानी जीवात्मा मन के साथ ये उतर आती है। और मन ये जब नीचे उतरा, आँख के पास आया जीवात्मा के साथ, कान के पास आया, मुंह के पास आया, लग गया जी इधर गया पूरे शरीर में, तो उसी तरह का, जिस तरह का जैसा माहौल था, वातावरण था, उसी तरह का यानी समझ लो कि मन आदि हो गया। इस समय पर जितना मन विषयों का आदि हो गया, इन चीजों का, देखने का, सुनने का, आप ये समझो बोलने का, यानी इंद्रियों का आदि हो गया, इसमें सुख जैसा खोजने लग गया, पहले ऐसा नहीं था। समय का प्रभाव होता है, समय के अनुसार यानी समझो कि यानी क्रियाएं होती हैं। शरीर का देखो, जैसे ठंडी में शरीर का क्रिया अलग थी,
ठंडी जब बगती थी तो ऐसे ही आप हाथ को मोड़ लेते थे, अब इस समय गर्मी है एकदम खुला खुला चाहते हो, उस समय गर्म जगह चाहते थे, ऐसे ही यानी परिवर्तनशील बदलाव के संसार में, युग के बदलने के अनुसार कलयुग में इस समय पर बहुत ही इंद्रियों का मन ये भोगी हो गया। मन की डोर किसके हाथ में है? माया के हाथ में है। माया ये नहीं चाहती है कि ये बगीचा उजड़ जाए जो हमने लगाया है। काल नहीं चाहते कि ये जीव अपने घर अपने वतन अपने मालिक के पास चले जाए, इसलिए यानी वो डोर को सूरज के अपने हाथ में रखते हैं और मन की डोर को माया अपने हाथ में रखती है। आप देखो इस समय पर तो प्रेमियों यानी समझो कि काल भी अपने इस मूड में है, रौ में है कि ये जाने न पाऊं, निकलने न पाऊं, क्योंकि जितना जोर संतों का चल रहा है, संतों की वाणियों का चल रहा है, संतों की मेहनत जितनी हो रही है, जितना भजन ध्यान की तरफ लोगों को मोड़ा जा रहा है, कलयुग से लड़ाई हो रही है कि अच्छा समय आ जाए, सतयुग आ जाए, सब योगी विज्ञानी हो जाए, उस हिसाब से इनसे जब देखा नहीं संभल पा रहा है तब वो भी अपने हाथ में ले लिया। अब आप समझो प्रेमियों कि माया किसको कहते हैं? औरतों को कहते हैं, रुपया पैसा को माया कहते हैं, और समझो कि अन्य समझो कि काल किसको कहते हैं जिसने दुनिया बनाया है। तो माया के चक्कर में तो पहले भी अच्छे अच्छे लोग आ गए, लेकिन माया के चक्कर में आए तो वो तो गिर गए, लेकिन माया के लिए रास्ता खुला हुआ था। लेकिन उस समय पर औरतों को, माया को, इनको नामदान नहीं मिलता था, नामदान नहीं देते थे। उस समय की पहले की साधना भी थोड़ी कठिन थी, इनके अंग कमजोर होते हैं, बनावट शरीर की अलग होती है, शरीर में छिद्र ज्यादा होते हैं, तो ये अष्टांग योग, हठ योग, प्राणायाम कर भी नहीं सकती थी। अब ये जब सुरत शब्द योग की साधना संतों ने निकाल दिया, तब अनिशम जो कि काल को चिंता हुई कि माया पर माया का जोर नहीं चलेगा, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने कहा, मोहन नारी नारी का रूपा पन्न गारी या चरित अनुपा, औरत औरत के रूप को देख करके मोहित नहीं होती है। तो इस स्थूल शरीर के माया से जब साधक बच जाते हैं तो अंदर में जो यानी ब्रह्मांडी माया है, जो समझो अंडी माया है, उसके चक्कर में लोग आ जाते हैं तो फिर फंस जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन जब काल ने ये देखा कि संतों का जोर चल रहा है और ये सबको ले जाना चाहते हैं, संतों के आगमन से पहले के संस्कार ही यानी जीव जो यानी औरतों के रूप में इस समय पर पड़ी हुई है उनको भी पार करना चाहते हैं, तब उसने नकेल अपनी कसना शुरू कर दिया। तो अब आप देखो, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, क्षणिक देर में मन मचला देता है, देखते ही दृष्टि से ही और भूल जाता है, वचनों को, गुरु को, नाम को, प्रभु को भूल जाता है और एक दूसरे के चक्कर में लोग आ जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब काल का जोर यानी समझो कि औरतों पर हो रहा है और माया का जोर पुरुषों पर हो रहा है, तो ये जो संक्रमण का समय है बहुत ही संभाल करके सत्संगी प्रेमियों, भाई बहनों, बच्चों चलने का समय है। इसलिए इस वचन को हमेशा याद रखना है कि मन के कहे करो मत कोई,
और जो गुरु कहें करो तुम सोई। गुरु के वचन को याद रखना। गुरु महाराज प्रेमियों क्या कहा करते थे? गुरु महाराज कहा करते थे कि सारा आवरण, सारा पर्दा, सारी गंदगी, सारी व्याधा भजन से खत्म होगी। भजन जब करोगे तब भजन नंदी के ऊपर कोई असर नहीं होता है तो तुम्हारे ऊपर भी असर नहीं होगा। सुमिरन ध्यान भजन इसीलिए सरल किया गया। पहले का कठिन था लेकिन गुरु महाराज ने बहुत सरल किया। नाम तो वही है, रूप वही है, स्थान वही है, लेकिन उस समय पर प्रतिबंध था कि इतना समय 24 घंटे में से निकालना ही निकालना है। गुरु महाराज देखो शुरू में प्रेमियों जब नामदान देते थे तो इकरारनामा भरवाते थे कि हम 3 घंटा बैठ करके भजन करेंगे, उसी को नामदान देते थे। लेकिन देखा कि जीव फंस जाएंगे, नामदान ही नहीं लेंगे, इनके ऊपर मुहर ही नहीं लगेगी गुरुमुख होने की, आप समझो कि मुहर ही नहीं लगेगी तो काल इनको खींच लेगा, क्योंकि इनके पाप नष्ट नहीं होंगे। कबीर साहब ने इसीलिए कहा निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, एक निगुरा के शीर्ष पर लख पापी। जो निगुरा होता है, गुरुमुख नहीं होता है, नामदान नहीं लेता है, उसके सिर पर लाख पापियों का बोझा होता है। पिछले कई जन्मों का जो रह जाता है वो शरीर से करता है, वो देखता है कि इसमें कोई कर्म नहीं लग रहा, लेकिन बहुत भारी कर्म उसी से बन जाया करता है। तो इसलिए समझो कि मोहर लगाना गुरु महाराज ने जरूरी समझा। तो गुरु महाराज मन से नामदान देने लग गए, सबको नामदान देने लग गए, कोई भी आ जाए कि कम से कम पहचान तो बन जाए, काल पहचान तो ले, दाव मारते समय, श्रृंगार करते समय पहचान तो ले कि यह संत का जीव है, इसलिए नामदान देना गुरु महाराज ने शुरू कर दिया। गुरु महाराज चले गए, लेकिन गुरु महाराज के मिशन को ही, गुरु महाराज का ही नाम काम को हमको और आपको प्रेमियों बढ़ाना है तो भी समय भी खुले मंच से ही नामदान सब जगह होंगे लग गए। हम नामदान ले लो, दवा बहुत बढ़िया मिल जाए, बैठ भी बढ़िया मिल जाए, लेकिन दवा को खाओगे नहीं तो मर्ज कैसे जाएगा, तकलीफ कैसे जाएगी। इसलिए जिन जिन लोगों को नामदान दे गया आप सब लोग बराबर प्रेमियों सुमिरन ध्यान भजन करते रहो, और सुमिरन ध्यान भजन जब आप करोगे तब आपका मन धीरे धीरे इधर इंद्रियों के घाट की तरफ से हटने लगेगा। एक तो निराश हो जाएगा क्योंकि इस पर से इसका राज खत्म हो जाएगा, इस समय पर तो ये राजा है क्योंकि मन कहता है तो आप चल पड़ते हो। मन ने कहा चलो ये चीज खा लो, चलो खाते चले जाओ, कल मिले ना मिले चलो कोई बात नहीं, कल फिर नहीं खाएंगे, आज ही खा लेते हैं, मिल रहा है गर्म गर्म मिल रहा है, कल ठंडा मिलेगा, ऐसा वैसा तरह तरह का खिला देते, तरह तरह से इसको शरीर को दौड़ा देता है, कह देता है कि बर्दाश्त क्यों कर रहे हो, मार दो देख लिया जाएगा, कोई बात नहीं है, मरवा देता कटवा देता, हालांकि करता तो संबंध है लेकिन शरीर को भोगना पड़ता है। और थे ना एक औरत, एक बकरा और बंदर पाले हुए थे, तो एक दिन रोटी बना करके रख लिया, चली गई, क्योंकि बकरा और बंदर दोनों बंधे हुए थे, पानी भरने के लिए गई, बंदर को सूझी शरारत, उसने अपने गले से रस्सी निकाल दिया और गया रोटी खा गया, और फिर गया बकरे के गले से रस्सी निकाल दिया, लौट करके आया फिर अपने गले में रस्सी डाल के आराम से बैठ गया। अब औरत आई तो देखा बकरा घूम रहा है और रोटी गायब है, तो बकरे ने ही रोटी खाई हो, उठाया लाठ और लगी बकरे को मारने, और उसे देख रहा था, खाया तो रोटी बंदर ने, मार बकरा खा रहा है, ये तो निर्दोषी है, कहा गया ना और करे अपराध और पाप पर वो
आज बैठे तो भगवान घर जाने जाने जो तो आगे समझो की देखो करके वो क्या हमारी ऊपर पड़ रही है, देखो कितना कलयुग का असर है। तब उसने कहा भाई बचाना चाहिए, निर्दोष को बचाना चाहिए, ऐसे भी बचाना चाहिए जिसका कोई ना हो, असहाय हो, गरीब हो, उसकी रक्षा करनी चाहिए। तब उसने कहा तू मारती क्यों है इसको, रोटी तो तेरा खाया बंदर ने और मार तू रही बकरे को। उसने कहा औरत ने कि बकरा तो बंधा पड़ा। जब उसने बताया कि इस तरह से बंदर ने किया है तब उसको विश्वास आया, बकरे को मारना बंद किया। तो अपराध कोई करता है, कराता कोई हो, मन कराता है और शरीर पिटता है, लेकिन जब शरीर को रोक करके रखते हो, चाहे भजन हो, चाहे ध्यान हो, चाहे सुमिरन हो, सब मन का काबू उस समय पर शरीर पर से हट जाता है। पहले तो कहता उठ जाओ, गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, ठंडी महीने में पड़ेगा, ठंडी लग रही है, चलो कोई बात नहीं है, सुबह उठेंगे तब कर लेंगे, सुबह फिर नहीं बैठने देगा, फिर कहेगा चलो टट्टी मैदान हुआ है, फिर कर लेंगे, फिर नाश्ता पानी कर लेंगे, उसके बाद तब करेंगे, बस ऐसे ऐसे टलता चला जाता, बस उधर से हटा ही देता है शरीर को। जो आदत होती है वो आदत ही खत्म हो जाती है मन इस तरह से। लेकिन जब ये सोच लेता है आदमी कि हमको एक घंटा बैठना है, उठना नहीं है, हमारा संकल्प है एक घंटा बैठने का, तब ये मन का काबू खत्म हो जाता है शरीर पर से। और फिर ये बगता है तो कितना भगेगा, थकेगा तो रुकेगा और थकेगा तो रुकेगा तो काम बनेगा। इसीलिए कहा गया मन भगता है को भगने दे, दिल का दाग शरीर उतरी हुई कमान से कभी निकाल लेती, कमान उतर गई तो तीर नहीं चल सकता है धनुष पर से। इसी तरह से मन हार जाएगा जब शरीर को भी उठने दोगे। अब आप ये समझो चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवा, किसको कछुने चाहिए सोई शान सा, जिसको किसी चीज की इच्छा नहीं रह जाती है वही बेताज का बेगद्दी का राजा हो जाता है। एक राजा तो ताज लगाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, वो राजा होते हैं। और एक राजा इंसान हो जाता है जिसको किसी चीज की कोई चिंता चाह नहीं रहती, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जाको पछुने चाहिए वही शान सा, वही बादशाह हो जाता है। तो ये इच्छा कब खत्म होती है, मन कब मरता है, जब बार बार मन को मारने की कोशिश करते हैं, मन के कहने पर समझो कोई काम नहीं करते हैं, मन ही इच्छा पैदा करता है, मन ही खिलाता, मन ही दौड़ाता, मन ही सब कराता है। तो उस समय पर चित्त से चिंतन करना चाहिए, ये मन कह रहा है तो अच्छा रहेगा कि बुरा रहेगा, मन तो कह रहा है खा लो बहुत बढ़िया बना हुआ है, बहुत स्वादिष्ट बना है, खा लो ये हलवा, ये देखो ये खीर पी लो, लेकिन अब पेट को शरीर को और मौसम को देखते हुए ध्यान नहीं रह जाता है कि मन कह रहा है तो दर्द आने लग जाएगा, पेट खराब हो जाए, उस समय पर इस चीज को आदमी भूल जाता है। लेकिन अगर ये याद रहे, चित्त से चिंतन कर ले कि इसका असर खराब होगा, बुरा होगा, गंदगी इस शरीर में आ जाएगी, अगर हम यानी काजल की कोठरी में चले जाएंगे, काली कुआरी जगह चले जाएंगे, मुंह काला कर लेंगे तो गंदगी आ जाएगी, चीज को अगर आदमी सोच लेता तब मन का काबू नहीं चलता है, मन हार जाता है और स्वागत गिर जाता है। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली
बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।